नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है अर्थ जगत से। दरअसल खबर ये है कि भारत के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो ऑल टाइम हाई तो नहीं, लेकिन एक हाई लेवल पे पहुंच गए। दरअसल ये खबर अभी 2 से 3 घंटे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। इस खबर में यह है कि भारत के जो फॉरेन रिजर्व हैं ये 642.5 बिलियन डॉलर हो गया है। ये सोचिए, बहुत बड़ा नंबर है। इससे पहले जो इंडिया का सबसे ज़्यादा जो फॉरेन रिजर्व का नंबर है वो 645 बिलियन डॉलर का है। ये अक्टूबर 2021 में ऐसा हुआ था। लोग पहले ऐसा समझते थे कि ये 643 बिलियन डॉलर हुआ था अक्टूबर 2021 में, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज इसको क्लेरिफाई किया है कि ये नंबर 643 बिलियन डॉलर का नहीं था, 645 बिलियन डॉलर का नंबर है। तो अब ये समझ लीजिए कि इंडिया को ऑल टाइम हाई अपना फॉरेन रिजर्व करने के लिए अभी करीब 3.5 बिलियन डॉलर की और ज़्यादा ज़रूरत है। इतना करते ही इंडिया का ये ऑल टाइम हाई नंबर हो जाएगा, मतलब एक रिकॉर्ड बन जाएगा सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व रखने का। दोस्तों ये समझ लीजिए कि इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है ये पिछले करीब एक महीने में लगभग 30 बिलियन डॉलर बढ़ा हुआ है। अगर आप पिछले ही हफ्ते की बात करें तो करीब 10 बिलियन डॉलर उसी में बढ़ गया है। तो दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अचानक से इतने पैसे आने कहाँ से शुरू हो गए। दरअसल अभी क्या है कि भारत को कोई ऐसी पेमेंट करनी नहीं पड़ी है जिससे कि भारत का फॉरेन रिजर्व कम हो। अभी ऐसा कोई भी पेमेंट आया नहीं है। और दूसरी चीज़, भारत के पास इस वक्त पैसे आए हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर के थ्रू आए हैं। फॉरेन के इन्वेस्टर इंडिया में आए, उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। इससे भारत की जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ गया है। अब इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट भारत की शेयर मार्केट पर पड़ना स्टार्ट हो चुका है, जो हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अब अगर देखेंगे तो हमारी इस क्वार्टर की जब GDP निकल कर आएगी वो भी अब ज़्यादा दिखेगी। आप रीजन आप ऐसा समझ लीजिए कि भारत के अंदर जब पैसा आ गया है तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इट मीन्स कि बिज़नेस की जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो परचेजिंग पावर बढ़ने के साथ ही ये जो अर्थव्यवस्था का जो चक्का होता है ये कम्प्लीटली घूमता है, क्योंकि लोगों के पास खरीदने की ताकत ज़्यादा बढ़ती है। और ख़रीदने की ताकत जब बढ़ेगी तो वो किसी के ना किसी के पास पैसे भी जाएंगे, यानी कि सेलर के पास पैसे जाएंगे। तो ये जो अर्थतंत्र जो होता है ये पूरा एक चक्का है, एक सर्कल है, ये पूरा घूमने लगता है। उससे क्या होता है कि ग्रोथ आनी स्टार्ट होती है, हर तरफ पॉजिटिविटी बढ़ती है, बिज़नेस में एक अलग सी मतलब पॉजिटिविटी देखने को मिलती है ग्रोथ के रूप में। एक अलग ही भारत के अंदर एक ग्रोथ जो अभी चल रही है वो एक अलग ही लेवल पे है। पूरे वर्ल्ड में भारत से अच्छी ग्रोथ अभी किसी देश के पास नहीं है। हम लोग उसी पेस से ही आगे अभी बढ़ रहे हैं। जैसा कि अभी अपना एक कुछ समय पहले GDP का नंबर भी आया था कि अपनी जो GDP है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करी है, जो अभी निकली थी 3rd quarter की GDP। दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इससे रिलेटेड अब जो अपडेटेड न्यूज़ आएगी मैं उसके लिए आपको एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, और उसमें उम्मीद ये करेंगे कि ये जो भारत का अभी ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड नहीं बना है ये रिकॉर्ड उसमें बन जाए, और कम से कम 3.5 बिलियन डॉलर भारत के खजाने में और जुड़ जाए, भारत का खजाना और ज़्यादा बढ़ जाए। अभी हम 642.5 बिलियन डॉलर का खजाना है हमारे पास। ये उम्मीद करते हैं कि 645 का जो हाई हमारा मार्क है उसको के क्रॉस कर जाए और हम 645 बिलियन डॉलर के आगे जाकर बैठें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।